हेलो टेलियर्स, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों तो आज मैं आपको कीटम्स बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में कीटम्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको अभी समझा देता हूँ कि अमेरिकन सर्विस तो वो क्या होता है दोस्तों, फिर से संडे क्या होता है कि वो कि एक आइसक्रीम टाइप में आता है, तो यही सब मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। इसमें मैंने कुछ 15 से 20 कीटम्स लिए जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे दोस्तों। तो बिना देर के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और उसमें मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से समझाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आ गए हम अपने कीटम्स पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे क्या क्या कीटम्स है। तो पहला अमेरिकन सर्विस होता है दोस्तों। तो अमेरिकन सर्विस क्या रहता है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं मेथड ऑफ सर्विस सर्विंग होटल रेस्टोरेंट फूड इन विच पोर्शन ऑफ फूड आर प्लेस ऑन प्लेट इन द किचन बाय इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉई और सर्विस टू ईच गेस्ट बाय वेटर और वेटरेस। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि एक पोर्शन रहता है फूड का, वो पहले प्लेट पर सर्व किया रहता है और डायरेक्ट जाके किचन से ही मतलब इस्टेब्लिश हुआ रहता है, और जो कि एम्प्लॉय रहता है वो सर्व करता है गेस्ट को, मतलब गेस्ट को सर्व करता है, वेटर या वेटरेस सर्व करता है। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि पहले प्री प्लेटेड रहता है वो पोर्शन के हिसाब से ही, उसको अमेरिकन सर्विस कहा जाता है। देन हमारा आता है बास्टिंग दोस्तों। तो बास्टिंग क्या रहता है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं मॉइस्चरिंग द फूड ड्यूरिंग कुकिंग बाय मैरिनेड और ऑयल। और फूड को मॉइस्चरिंग करना मतलब गीला करना दोस्तों ऑयल से या फिर मैरिनेट करके कुकिंग करते टाइम। देन आता है दोस्तों हमारा बॉम्बे, टाइप्स ऑफ आइसक्रीम विच टेक इट्स नेम फ्रॉम द शेप ऑफ मोल्ड इन विच इट्स फ्रोजन। बॉम्बे एक टाइप ऑफ आइसक्रीम रहता है दोस्तों जिसका शेप ना मोल्ड के शेप के जैसा रहता है, इसके वजह से इसका नाम बॉम्बे मतलब प्रोनाउंस किया जाता है दोस्तों। अब आता है ब्रेन मैरी। देन हमारा लास्ट नहीं है अभी, नेक्स्ट आता है हमारा बेन मैरी। तो बेन मैरी क्या रहता है, अ लार्ज ओपन डिश पार्शियली फिल विथ हॉट वाटर इन विच हॉट फूड कंटेनर आर प्लेस टू कीप द फूड हॉट। बेन मैरी वो रहता है दोस्तों कि डिश रहता है बहुत बड़ा ओपन डिश रहता है जिसमें हॉट वाटर ऐड करते हो और फूड रखते हो, हॉट फूड कंटेनर रहता है दोस्तों वो रखते हो और मतलब फूड को हॉट करने के लिए बेन मैरी का यूज़ होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा ओइस्टर क्रूएट। ये क्या रहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द अकम्पनीमेंट फॉर ओइस्टर। इट कंटेन काइन पेपर मिली चिली एंड विनेगर एंड टोबैस्को सॉस दोस्तों। तो यही रहता है कि ओइस्टर क्रूएट्स ये रहते हैं दोस्तों कि अकम्पनीमेंट्स रहता है ओइस्टर फिश के लिए, जैसे इसमें काइन रहता है दोस्तों काइन रहता है, पेपर मिली रहता है, चिली रहता है, विनेगर रहता है और टबेस्को सॉसेज रहता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है पैकेजेस। तो आपको पैकेजेस पता ही है कि रेट फॉर अकोमोडेशन एंड मील फॉर सर्टन नंबर ऑफ डेज टू प्रमोट सेल्स और पैकेज इज नॉर्मली ऑफर्ड इन रिसॉर्ट्स। पैकेज जो मेनली रहता है दोस्तों रिसॉर्ट्स में ऑफर किया जाता है और इसमें रूम अकोमोडेशन रहता है और मील का सर्टन नंबर ऑफ डेज, जितने दिन के लिए आप रुक रहे दोस्तों, तो इसमें सब रहता है, रूम रेट रह गया, फिर से आपको मील भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसको पैकेजेस बोलते हैं। देन हमारा आता है सिल्वर सर्विस। इट इज़ मेथड ऑफ सर्विंग फूड। फूड इज सर्व विथ इन सर्विस स्पून एंड फोक लेफ्ट साइड ऑफ द गेस्ट दोस्तों। तो यहाँ से देखिए सिल्वर सर्विस यही होता है दोस्तों कि आप सबको नहीं अगर पता होगा तो फूड सर्विस का मेथड है ये, फूड सर्व कैसे सिल्वर सर्विस स्पून से और फोक से किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड के गेस्ट से। तो हम हमेशा आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अगर आप सर्विस कर रहे तो लेफ्ट साइड से कीजिएगा दोस्तों, और हाँ लेफ्ट हैंड साइड से सर्विस करते हैं स्पून एंड फोक से, तो वो सिल्वर सर्विस रहता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा स्कीवर। एक सेकेंड हाँ स्कीवर। तो स्कीवर भी आप सब बहुत लोगों को पता होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर है तो आप पता कर मतलब आप देख लीजिए। यहाँ पे अ लॉन्ग पिन ऑफ वुड और मेटल इंसर्टिंग थ्रू मीट अदर फूड टू होल्ड और बाइंड इट वाइल कुकिंग दोस्तों। तो स्कीवर वही रहता है कि लॉन्ग पिन रहता है वुड और मेटल का बना हुआ रहता है दोस्तों कि फूड मीट के अंदर इंसर्ट करते हैं हम दोस्तों और अदर फूड और उसको होल्ड करके मतलब बाइंड करने के लिए, जैसे मीट के पीसेस रहते हैं ना दोस्तों तो उसको बाइंड करने के लिए या फिर मीट को फोल्ड करते तो उसको बाइंड करने के लिए वुड का रहता है, जैसे टूथपिक से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो पकाने के लिए होता है दोस्तों, कुकिंग के लिए मेनली यूज़ होता है स्कीवर। फिर सोमेलियर क्या होता है दोस्तों, सोमेलियर इज़ अ वाइन स्टीवर्ड इन रेस्टोरेंट होटल और अदर फूड इस्टेब्लिशमेंट हु हैज़ एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट द वाइन फूड पेयरिंग एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस ऑफ द वाइन्स एंड अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस दोस्तों। तो यह सोमेलियर वो होता है ना दोस्तों कि वाइन स्टीवर्ड रहता है जिस होटल रेस्टोरेंट और अदर फूड इस्टेब्लिशमेंट में वाइन
वाइन स्टीवर्ड रहते हैं जिसको वाइन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, वाइन और उसके साथ जो फूड पेयरिंग होता है ना वाइन के साथ उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रहता है, और वो रिस्पॉन्सिबल फॉर रहते हैं जितना भी वाइन सर्विसेज होता है दोस्तों होटल में उसका रिस्पॉन्सिबल फॉर इज रिस्पॉन्सिबल और अल्कोहलिक बेवरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। देन हमारा आता है स्टैंड अलोन। तो स्टैंड अलोन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, रेस्टोरेंट इन इट इज़ इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट विच नॉट लोकेटेड इन होटल्स एंड डज नॉट बिलोंग टू एनी चैन और रेस्टोरेंट। तो स्टैंड अलोन मतलब ये अपना नॉर्मल रेस्टोरेंट हो गया जो दोस्तों हमारे छोटे मोटे सिटीज़ में छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स रहते हैं दोस्तों जो कि पूरे एरिया में लोकेलिटी में फेमस रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट जो किसी होटल से जुड़े नहीं रहते ना ही किसी चैन रेस्टोरेंट से जुड़े रहते दोस्तों। देन हमारा आ गया दोस्तों संडे। तो संडे आप सबको पता है टाइप ऑफ आइसक्रीम सर्व इन संडे ग्लास विद फ्रूट नट्स एंड सिरप। तो ये संडे होता है दोस्तों आइसक्रीम टाइप ऑफ आइसक्रीम रहता है। टर्नओवर क्या रहता है, सेल्स रेवेन्यू एंड अर्न ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। सेल्स टर्नओवर आपको पता है दोस्तों पूरा सालाना रेवेन्यू रहता है जो कि आपको सेल्स रेवेन्यू से मिलता है। वेट स्टाफ क्या होता है, तो वेट स्टाफ ये रहते हैं दोस्तों पीपल सर्विंग इन कैफ़े और रेस्टोरेंट। वेट स्टाफ वो रहते हैं जो कि कैफ़े और रेस्टोरेंट में सर्विंग करते रहते हैं कि स्टाफ को दोस्तों। ये हो गया हमारा लास्ट। तो लास्ट में कैबरेट। तो कैबरेट आपको पता है एंटरटेनमेंट हेल्ड इन नाइट क्लब और रेस्टोरेंट वाइल द ऑडियंस सिट इन टेबल्स। तो वहाँ पे कैबरेट रहते हैं दोस्तों, तो उसमें कुछ भी एंटरटेनमेंट रहता है कि जो नाइट क्लब और रेस्टोरेंट में रहता है जहाँ पे ऑडियंस बैठ के देखती है और एंटरटेन होती है। कसाटा तो ये टाइप ऑफ आइसक्रीम होता है दोस्तों कि जिसमें मिक्स कलर रहते हैं, फ्लेवर्स रहते हैं, नट्स और टूटी फ्रूटी रहते हैं, तो इसको कसाटा बोलते हैं दोस्तों हम लोग। एक्चुअल में वैसे ही प्रोनाउंस होता है। देन आता है कूप। कूप भी आइसक्रीम ही रहता है, सिंगल और मिक्स फ्लेवर कलर ऑफ आइसक्रीम फिनिश ऑफ विथ व्हिप्ड क्रीम सर्व इन सिल्वर कूप दोस्तों। तो कूप भी एक टाइप ऑफ आइसक्रीम रहता है जो कि सिल्वर कूप में सर्व किया जाता है व्हिप्ड क्रीम और आइसक्रीम मतलब कलर आइसक्रीम के साथ दोस्तों। देन आता है हमारा कवर। तो कवर क्या होता है, कवर इज़ अ प्लेस सेट एट टेबल फॉर एग्जांपल इन रेस्टोरेंट। जहाँ टेबल पे हम लोग बैठते हैं ना दोस्तों तो टेबल पे कवर लगता है, जो रेस्टोरेंट में टेबल पे गेस्ट बैठते हैं ना वहाँ पे कवर लगता है दोस्तों, तो उसी को कवर बोलते हैं। सॉरी। देन हमारा आ गया दोस्तों साइक्लिक मेनू। साइक्लिक मेनू बेसिकली होता है गया दोस्तों कि एक फिक्स मेनू रहता है। अगर आप कहीं भी गए होंगे कैटरिंग इंडस्ट्रियल कैटरिंग में गए होंगे दोस्तों तो इंडस्ट्रियल कैटरिंग में भी एक फिक्स मेनू रहता है, तो वही साइक्लिक हॉस्पिटल हो गया, हॉस्टल हो गया, या फिर आपने ट्रेनिंग किया होगा दोस्तों होटल में तो ट्रेनिंग में भी कैसे आपको डेली टू डेली बेसिस सेम फूड मिलता है। जैसे मंडे को एक फूड रहा तो वही जाके नेक्स्ट मंडे को सेम फूड रहेगा, तो वही रहता है दोस्तों। और यहाँ पर वही लिखा है सीरीज ऑफ फिक्स मेनू सेट पीरियड विच आर रिपीटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सच मेनू इज़ फॉलो बाई हॉस्पिटल हॉस्टल एंड इंडस्ट्रियल कैटरिंग। तो यही मेनू रहते हैं दोस्तों जो कि रिपीटेड रहते हैं हर पीरियड में, मतलब वीकली रिपीटेड होता है। मंडे को कोई समझिए वेजिटेबल्स है तो नेक्स्ट मंडे को वेजिटेबल्स रहेगा, वेनेसडे को आपको नॉन वेज मिल रहा है तो नेक्स्ट वेनेसडे को ही आपको नॉन वेज मिलेगा दोस्तों। देन आता है हमारा गुरीदौन। तो गुरीदौन क्या होता है दोस्तों, गुरीदौन बहुत ही मायने रखता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ ट्रॉली दैट वेल इक्विप्ड टू प्रिपेयर कुक एंड सर्व फूड टू गेस्ट। देर इज़ अ गैस हॉब, चॉपिंग बोर्ड, कटलरी ड्रॉवर, कोल्ड स्टोर एंड जनरल वर्किंग एरिया दोस्तों। तो गुरीदौन ये होता है ना कि दोस्तों एक ट्रॉली रहता है जो कि पूरा भरा रहता है वेल इक्विप्ड मतलब फूड कुक करने के लिए। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा कि रेस्टोरेंट में गेस्ट के सामने फूड करते और फ्लैम्बे, तो वही गुरीदौन ट्रॉली होता है जहाँ पे दोस्तों आप गेस्ट के सामने से आप फूड प्रिपेयर करते हो और बनाते हो। उसमें क्या क्या रहता है दोस्तों कि गैस हॉब रहते हैं, चॉपिंग बोर्ड रहते हैं, कटलरी ड्रॉअर रहते हैं और कोल्ड स्टोर रहता है। कोल्ड स्टोर मतलब डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉली टाइप कौन सा है, और जनरल वर्किंग एरिया और उसमें थोड़ा बहुत वर्किंग एरिया रहते हैं। देन हमारा आता है दोस्तों गुरीदौन सर्विस। तो गुरीदौन सर्विस भी वही होता है, इस फॉर्म ऑफ फूड सर्विस प्रोवाइडेड बाई रेस्टोरेंट टू देयर गेस्ट विच इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग फूड इन वर्डिक व्यू ऑफ गेस्ट यूजिंग अ गुरीदौन। तो गुरीदौन सर्विस का मतलब ही वही होता है कि गेस्ट के सामने फूड प्रिपेयर करके गेस्ट को सर्विस करना दोस्तों। अभी नेक्स्ट और लास्ट आता है दोस्तों मैरिनेड। मैरिनेड आपको बताता हूँ मैं दोस्तों, लिक्विड कंटेनिंग रहता है, यह एक लिक्विड रहता है जिसमें आपको विनेगर, ऑयल, स्पाइस, हर्ब्स और मीट का सोक रहता है दोस्तों। टेंडराइज टू गेट फ्लेवर, तो फ्लेवर आने के लिए इसको टेंडराइज करते, तो यही रहता है। ओयस्टर आप सबको पता है टाइप्स ऑफ सेलफिश रहते हैं दोस्तों, बहुत ही कॉस्टली रहते हैं और बहुत ही प्रोटीन रहता है इसमें दोस्तों। तो ये हमारे हो गए आज के कुछ कीटम्स दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कीटम्स समझ में आए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आप होटल मैनेजमेंट करने वाले हैं तो आपसे उम्मीद कर, मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं दोस्तों। बाय बाय।